एक घर में शाम को गोली चलने की आवाज आती है। मेहुल तुरंत उस एरिया में पहुंच जाता है। वहां तीन घर थे। क्या आप ए बी और सी को देख के बता सकते हैं कौन से घर में गोली चलने की आवाज आई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। घर ए में बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं और दादी जी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। जहाँ गोली चली वहाँ इतना रिलैक्स माहौल नहीं हो सकता। घर बी के अंदर देखिए डिस्को लाइट चल रही है और पार्टी चल रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। घर सी होगा। मेहुल घर सी के अंदर जाता है तो वहाँ मनन की डेड बॉडी थी और पास में उसकी बीवी रो रही थी। क्या हुआ पूरा सीन मुझे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करो। तो मनन की वाइफ बताती है, मैं किचन में खाना बना रही थी, मुझे गोली चलने की आवाज आई, बाहर आके देखा तो मनन की डेथ हो गई थी। मेहुल रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और वाइफ से पूछता है, कितनी गोली चलने की आवाज आई थी? तो वाइफ कहती है, बस एक। तुम झूठ बोल रही हो। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वाइफ झूठ बोल रही है कि बस एक गोली चली है? सोचिए सोचिए। दीवार पर देखिए दो गोलियों के निशान हैं। सर सर, दो गोली चली थी, एक मैंने चलाई थी लेकिन मेरी गोली इनको नहीं लगी, किसी और ने इन्हें मारा है। दो होल्स है, दोनों अलग अलग साइज के हैं, मतलब अलग अलग बंदूक से गोली चली है। क्या तुम्हें किसी पे शक है? हाँ, मेरे देवर और इनकी ऑफिस की सेक्रेटरी पे। मेहुल दोनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। भाई कहता है, सर ये मुझे पैसे नहीं देता था, इसलिए अक्सर मेरा भाई से झगड़ा होता था, लेकिन मैं अभी अभी शहर से आया हूँ, ये देखिए मेरे फ्लाइट टिकट्स। सेक्रेटरी कहती है, सर मैं ऑफिस में काम कर रही थी, ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सेक्रेटरी ने कहा कि उसने अभी अभी सेल्फी ली है ऑफिस में, लेकिन सेल्फी की क्लॉक में टाइम देखिए 2:30 हो रहा है और घर की क्लॉक में टाइम 7:30 है, मतलब वो झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो कहती है, सर मुझे परेशान करते थे इसलिए मैंने गुस्से में मर्डर कर दिया। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। आप भी मेहुल जैसे अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, जल्दी से डिटेक्टिव आईक्यू गेम डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुड्डू शहर के बाहर एक मुर्गी फार्म से मुर्गी खरीदने जा रहा था, लेकिन उसे मुर्गी फार्म का रास्ता नहीं पता था। एक आदमी से पूछने पर वो आदमी बताता है, आगे बगीचे से ठीक सामने वाला रास्ता मुर्गी फार्म की तरफ जाता है। गुड्डू बगीचे के सामने पहुंच जाता है, लेकिन वहां तीन रास्ते बने हुए थे। तो क्या आप इन तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता मुर्गी फार्म तक जाता होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और तीसरा रास्ता एक घर के सामने खत्म हो जाता है। लेकिन पहले रास्ते को ध्यान से देखिए, उस पर मुर्गी के छोटे छोटे पंख पड़े हुए हैं। तो जरूर यही रास्ता मुर्गी फार्म का रास्ता होगा, क्योंकि इस रास्ते से लोग मुर्गी को लेके आते होंगे, जिससे उसके पंख टूट के यहाँ पे गिर गए होंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक चोर का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को बिल्डिंग के अंदर चोर दिखाई नहीं देता। तभी सामने वाले बाथरूम से तीन लोग बाहर निकलते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहला वाला कहता है, मैं बाथरूम में नहा रहा था। दूसरा वाला कहता है, मैं टॉयलेट करने गया था। तीसरा वाला कहता है, मैं तो हैंड वॉश करने गया था। पुलिस बाथरूम के अंदर जाके देखती है और समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाथरूम के अंदर ध्यान से देखिए, कहीं पर भी नल और पानी नहीं है। ये बाथरूम सिर्फ टॉयलेट के लिए है और एक बेसिन है हैंड वॉश के लिए। और पहला वाला आदमी कह रहा था वो बाथरूम में नहा रहा था, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, राजू और रमेश तीनों एक साथ साइकिल की रेस लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं रेस कौन जीतेगा? रोहन, राजू या रमेश, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आर्मी और समझ जाए तो मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, रोहन की साइकिल पंचर है और राजू का एक पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, इसलिए ये रेस रमेश जीतेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आशुतोष की फैमिली में सारे लोग वेजिटेरियन हैं। दो दिन बाद आशुतोष का बर्थडे था। बर्थडे के दिन घर के सारे लोग बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं।
इसके बाद वो लोग बेकरी की दुकान पर केक खरीदने के लिए जाते हैं। आशुतोष को थोड़ा बड़े साइज का केक चाहिए था, तो उसके सामने तीन केक रखे हुए थे। क्या आप तीनों केक एबीसी को देखकर बता सकते हैं आशुतोष को कौन सा केक लेना चाहिए, ए बी या सी? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी। पहले केक का तो साइज ही छोटा है और आशुतोष को तो बड़ा केक चाहिए, तो पहला केक तो वो नहीं लेगा। तीसरे केक पर रेड मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वो नॉनवेज वाला केक है, उसमें अंडा हो सकता है। लेकिन दूसरे केक पर ग्रीन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये प्योर वेज केक है, तो आशुतोष दूसरा केक लेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक अमेरिकन महिला को फूलों से बहुत एलर्जी थी। एक बार वो फ्लाइट से घूमने के लिए इंडिया आती है। उसे कुछ दिन तक रुकने के लिए एक होटल चाहिए था। उसके सामने तीन फाइव स्टार होटल थे, तो क्या आप बता सकते हैं वो महिला कौन से होटल में जाएगी, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले होटल के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और उस महिला को तो फूलों से एलर्जी है। दूसरे होटल के सामने लिखा हुआ है ओनली फॉर इंडियंस, मतलब वो होटल में भी वो जा नहीं सकती, मतलब वो तीसरे होटल में जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन फलों की दुकान पर जाता है। वो सबसे पहले खीरा खरीदता है, उसके बाद वो अमरूद लेता है और फिर कुछ आम भी खरीद लेता है। अब रोहन के पास 20 रुपए बचे थे और उसे कोई एक चीज और लेनी थी। इस समय दुकान पर केवल तीन फल ही बचे हुए थे, केला, पपीता और अंगूर। रोहन एक पैटर्न के आधार पर फल खरीद रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं वो अगला फल कौन सा खरीदेगा, केला, पपीता या अंगूर? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन केवल बीज वाले ही फल और सब्जियां खरीद रहा था, जैसे खीरा, अमरूद और आम। केला, पपीता और अंगूर में से सिर्फ पपीता ऐसा है जिसमें बीज पाया जाता है, इसलिए रोहन पपीता खरीदेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छोटू अपने दोस्तों से अपनी तारीफ कर रहा था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी मुर्गी पिछले 2 महीने से लगातार अंडे दे रही है और उसके घर में बहुत सारे अंडे जमा हो गए हैं, लेकिन आज उसे भूख लग रही थी तो उसने आमलेट बनाकर पूरे अंडे खा लिए। लेकिन उसके दोस्त भी समझदार है, वो समझ जाते हैं कि छोटू झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं छोटू के दोस्तों को कैसे समझ में आया कि छोटू झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटू कह रहा था कि उसकी मुर्गी पिछले 2 महीने से लगातार अंडे दे रही थी और आज उसने सभी अंडों को आमलेट बनाकर खा लिया, लेकिन 2 महीने तक कोई भी अंडा जो कि तो नहीं रहता, उसमें से चूजे निकल आते हैं, तो फिर उसने ऑमलेट कैसे खाया? वो झूठ बोल रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ गरीब है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कपड़ों से तो लग रहा है ए माँ गरीब है, लेकिन देखिए वो अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिला रही है। अमीर या गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, आपके संस्कार और आपकी हेल्थ ही आपकी असली अमीरी है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।